नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपना YouTube चैनल पूनम की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड काढ़ा, जिसके लिए मैंने एक चम्मच अजवाइन लिया है, 10 से 15 काली मिर्च ली है, 5-6 लौंग और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट लिया और 1 तेजपत्ता लिया है और साथ में 1 इंच का मैंने ये मुलैठी लिया और अंदाज से गुड़ और 1 बड़ा गिलास पानी। देखिए गिलास एकदम बड़ा वाला है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने पतीला चढ़ा दिया, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। आजकल बरसात का मौसम है ना, तो सबको सर्दी खांसी कुछ ना कुछ लगा हुआ है और ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब सारी सामग्री को हम इसमें डाल देंगे। मैंने सब कुछ चुन के डाला है और ये मिलेठी जो हमने रात में फुला के रखा है इसको भी डाल देंगे। और जब ये पानी आधा रह जाए तब इसको हम छानेंगे और गुड़ डालेंगे। आधे रहने पर गुड़ डालेंगे, उसके बाद छानेंगे। जब ये पानी आधा रह जाए तब इसमें गुड़ मिला के छानेंगे, ठंडा नहीं करेंगे ज़्यादा। मेरे पास तुलसी का पत्ता नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। आपके पास हो तो आप 10 से 15 तुलसी का पत्ता भी इसमें ऐड करें। काढ़े को उबलते हुए आधा घंटा हो गया, इसमें अब हम गुड़ डालेंगे। इसे 5 मिनट और उबालेंगे। हमारा काढ़ा आधा हो गया, जितना पानी डाला था उससे आधा हो गया है। अब इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और 5 मिनट और इसे उबालेंगे। काढ़ा बनके तैयार है। अब इसे मैं गिलास में छान लूँगी। अगर मेरा ये काढ़ा आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल पूनम की रसोई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अब मैं इसे छान के दिखा। मैंने इस काढ़े को छान लिया। इस काढ़े को बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी पी सकता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और सर्दी खांसी जुकाम में तो और भी फायदा करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आए।